नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का भाग 7। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की प्रवृत्ति और विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय जो है आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति। आयन के बनने की प्रक्रिया को हम आयनीकरण बोलते हैं। हमने पिछले वीडियो में आयन के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि आयन दो तरीके के होते हैं, एक है ऋणायन और दूसरा है धनायन। ऋणायन होता है नेगेटिवली चार्ज और धनायन होता है पॉजिटिवली चार्ज। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह सोडियम एटम की है या सोडियम परमाणु की है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो बनता है सोडियम प्लस यानी सोडियम धनायन। इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आइए आयनन एंथैल्पी की परिभाषा को पढ़ें। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह चित्र आधुनिक आवर्त सारणी का है। इस आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वर्ग में चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है, लेकिन जब हम बाएं से दाईं ओर किसी आवर्त में चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। आइए अब जानते हैं इस प्रवृत्ति के कारण के बारे में। आयनन एंथैल्पी की इस प्रवृत्ति के दो कारण होते हैं। पहला मुख्य कारण होता है परिरक्षण प्रभाव, जिसे इंग्लिश में हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, और दूसरा कारण होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे इंग्लिश में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव के बारे में यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। एक परमाणु में अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण नाभिक के आकर्षण के किसी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। किसी परमाणु में चार तरीके के उपकर्ष यानी सबशेल होते हैं, जैसे S, P, D और F। इन सब शेल्स के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है S में, फिर P, फिर D और F, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परिरक्षण प्रभाव के बाद अब बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव के कारण कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। मान लीजिए यह चित्र एक परमाणु की है। इस परमाणु में सबसे दूर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम पड़ता है। आइए अब बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में, जो कि परिरक्षण प्रभाव और
प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से होती है। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर दूर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण कम लगता है और बाह्य इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब आयनन एंथैल्पी घटती है। स्क्रीन पर दिया गया चित्र इस प्रवृत्ति या इस ट्रेंड को दर्शा रहा है। जब आप लिथियम से सीजियम की ओर चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सीजियम की परमाणु त्रिज्या से कम होती है, इसीलिए लिथियम की आयनन एंथैल्पी सीजियम की आयनन एंथैल्पी से ज्यादा है। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तब परमाणु संख्या बढ़ जाती है, जिसका अर्थ यह है कि परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक पर धनावेश बढ़ जाता है। इस धनावेश के बढ़ने के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण भी बढ़ जाता है और यह इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक खींचे जाते हैं, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती है और बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा बढ़ता है और हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है इन इलेक्ट्रॉनों को हटाने की। इसी कारण आवर्त में आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। स्क्रीन पर दिए गए चित्र यही प्रवृत्ति को दिखा रहा है। जब आप लिथियम से नियॉन की तरफ चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि लिथियम की परमाणु त्रिज्या नियॉन की परमाणु त्रिज्या से ज्यादा होती है। क्योंकि नियॉन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, इसीलिए उसकी आयनन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति के बाद अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में। जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह एक ऊर्जा को छोड़ता है। उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। इस चित्र में क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्लोराइड आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को लेने पर जो ऊर्जा को छोड़ा गया उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। जब किसी आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा धनात्मक हो जाती है। वही जब किसी आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा ऋणात्मक हो जाती है। वर्ग 17 यानी ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं और इन हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, क्योंकि हैलोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है स्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। परमाणु त्रिज्या के बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी धनात्मक हो जाता है। यानी जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है
और नाभिक का आकर्षण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ता है। इसी कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एन्थैल्पी का मान भी धनात्मक हो जाता है। अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन लब्ध एन्थैल्पी का मान सबसे ज्यादा धनावेश होता है, क्योंकि इन्हें और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम आवर्त में चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या के घटने से नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन लब्ध एन्थैल्पी का मान भी ऋणात्मक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एन्थैल्पी की प्रवृत्ति के बाद अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के बारे में। पहले जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से ज्यादा होती है, तो एक सहसंयोजक बंध में जब सोडियम और फ्लोरीन होते हैं तो फ्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। एक आवर्त सारणी में जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। आइए अब पढ़ते हैं इसके कारण को। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण कम होता है। इसी कारण विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। लेकिन जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब परमाणु त्रिज्या घटती है और नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। इसी कारण दाएं से बाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। अधातु के गुणधर्म विद्युत ऋणात्मकता की वृद्धि के साथ बढ़ता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने आयनन एन्थैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में जाना, हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में जाना और विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।